तो मैं अब दावत देना चाहूँगा दूरदर्शन के डिप्टी न्यूज़ डायरेक्टर जनाब शुजात अली शजी साहब से कि वो दूरदर्शन के उर्दू चैनल के हवाले से हमें मुखातिब करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब, आज के सेमिनार के सदर जनाब बेग एहसास साहब, असलम फरशर साहब, साजिद आजम साहब, रायना साहब, गयूर साहब, सिंह साहब, दोस्तों और साथियों, मुझसे कहा गया कि मैं डीडी उर्दू के बारे में कुछ कहूँ, तो रास तौर पर मैं सब्जेक्ट पर आ जाता हूँ। सारे आलम में इस वक्त उर्दू के कम से कम 100 टीवी चैनल्स 24 घंटे अपने प्रोग्राम्स नशर कर रहे हैं। इनमें अक्सरियत का ताल्लुक हिंदुस्तान और पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के लगभग सभी चैनल्स दुनिया भर के उर्दू शायदाइयों में मकबूल हैं। हिंदुस्तान में उर्दू का सबसे मकबूल चैनल ETV उर्दू समझा जाता है, क्योंकि इसके प्रोग्राम्स ख़ानदान के हर फर्द की ज़रूरियात की तकमील करते हैं। अमरीका से हम टीवी को उर्दू नाज़रीन पसंद की निगाह से देखते हैं। टेलीविज़न आज इंसानी ज़रूरियात का हिस्सा बन गया है। शहरी और देही इलाकों में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने टेलीविज़न का नज़ारा ना किया होगा। एक सर्वे के मुताबिक गुरबत की सतह से ऊंचे हर ख़ानदान में एक टेलीविज़न सेट मौजूद है। टेलीविज़न नेटवर्क्स की ये खूबी है कि वो किसी न किसी तरह नाज़रीन को अपनी कशिश के दायरे में समेटे रहते हैं। ये नेटवर्क्स हर जायके की तकमील करने में लगे हुए हैं, चाहे वो तफरी हो, साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो, सियासत हो, जंगलात हो या जंगली जानवरों का मामला हो, जिंसियात हो कि फैशन टीवी हो या कि फिर न्यूज़ का मामला हो। यही नहीं बल्कि बेशुमार टेलीविज़न घराने मजहबी नाज़रीन के ज़ौक़ की भी तकमील कर रहे हैं। इस वक्त जो टेलीविज़न्स पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं उनकी फहरिस्त बड़ी तवील है, जिसमें मैंने इसमें मेंशन किया है कि मैं नहीं पढ़ूंगा वक्त की तंगी की सबब। हिंदुस्तानी नादरीन के लिए इन सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है DD उर्दू चैनल, जिसके लिए हिंदुस्तान के नाजरीन मुद्दतों से बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। 100 करोड़ के खतीर सरमाए से शुरू किए गए इस चैनल से उर्दू के मदाहों की गैर मामूली तवक्कुआत वाबस्ता थी। हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि ये चैनल उर्दू के हर घर तक पहुँचेगा और उनकी तफरी का सामान मुहैया करेगा, लेकिन तवक्कुआत के बरखिलाफ़ ये चैनल उर्दू वालों के ड्राइंग रूम तक नहीं पहुँच सका। क्योंकि इसे केबल नेटवर्क के दायरे कार में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लाजमी तौर पर शामिल नहीं किया जा सका, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान के लाखों उर्दू आवाम इसके नज़ारे से महरूम हैं। जब भी केबल नेटवर्क वालों को इस तरफ तवज्जो देने की ख्वाहिश की जाती है, तो उनका एक टक्का सा जवाब था कि वो इस चैनल को अपने नेटवर्क में शामिल करने से खासिर हैं, क्योंकि ये चैनल दिखलाने की जिम्मेदारी उन पर आयद नहीं होती। और वो हर बार उर्दू वालों को ये मशवरा देते रहे कि इन्हें इस चैनल को देखने के लिए सर्विस प्रोवाइडर का सेटअप बॉक्स लगवाना चाहिए। जहाँ तक इस चैनल के प्रोग्राम्स के मेयार का सवाल है, ये अभी तक उर्दू के संजीदा नाज़रीन को मुतमईन नहीं कर पाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि 24 घंटे का एक मखसूस उर्दू चैनल शुरू करने का सहरा UPA सरकार के सर जाता है, लेकिन दूरदर्शन के कर्ता धरता ज़बरदस्त बजट रखने के बावजूद इसके मेयार को बुलंद करने से महरूम हैं। DD उर्दू के अक्सर प्रोग्राम्स दिल्ली दूरदर्शन के मेयारी स्टूडियोज़ में तैयार नहीं होते, बल्कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स की बुनियाद पर बाहर तैयार किया जाता है। कई गोशों से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि प्रोग्राम्स की तैयारियों में बेकायदगियाँ हो रही हैं, जो न सिर्फ दूरदर्शन के विकार को मुतासिर करती हैं बल्कि उर्दू के कास को भी नुकसान पहुँचाती हैं। उर्दू वाले इस बात पर हैरान हैं कि इतनी बड़ी रकम के साथ शुरू किया जाने वाला DD उर्दू टारगेटेड ऑडियंस तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है, जबकि पड़ोसी मुल्क के कई TV चैनल्स, जिसमें QTV भी शामिल है, हमारे मुल्क तक बआसानी पहुंच रहे हैं। ये कितना बड़ा अलमिया है कि अकलियतों को कौमी धारे में शामिल करने के मकसद से मंजर आम पर लाया जाने वाला ये चैनल उनके घरों तक रसाई हासिल नहीं कर रहा है। उर्दू वाले सेटअप बॉक्स लेने के मौके पर नहीं हैं, केबल नेटवर्क वाले ये सहूलत उन तक पहुँचाने से खासिर हैं। रियासती हुकूमतें ये कहकर अपने आप को अलग थलग कर लेती हैं कि हम केबल नेटवर्क चलाने वालों को DD उर्दू दिखाने का पाबंद नहीं कर सकते हैं, तो इन हालात की रोशनी में ये चैनल उर्दू वालों तक कैसे पहुंच पाएगा? उर्दू वालों पर, उर्दू की तंजीमों पर, उर्दू के रोजनामों पर अक़लियती बहबूद की वजारतों की जिम्मेदारी है कि वो इस जानिब तवज्जो करें। ये चैनल बिला रोक टोक अगर उर्दू वालों तक नहीं पहुँचता है तो ये अलमे के सिवा कुछ नहीं है। कुछ कायदीन का ये एहसास है कि अगर सेटअप बॉक्स उर्दू वालों को मुफ्त मुहैया किए जाएँ तो यकीनन DD उनके घरों तक बआसानी पहुँच जाएगा।
आम लोगों को इस अमर से कोई मतलब नहीं है कि उर्दू के प्रोग्राम आउटसोर्सिंग के जरिए तैयार किए जा रहे हैं या उनका इन हाउस प्रोडक्शन हो रहा है। उर्दू वालों को तफरी के साथ साथ मालूमाती प्रोग्राम की शदीद ज़रूरत है। कौमी अखिलेती कारपोरेशन से उन्हें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं? वज़ीर आज़म का 15 नुकाती प्रोग्राम उनके लिए किस हद तक फ़ायदा बख्श है, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन या मौलाना आज़ाद माइनॉरिटीज़ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन से उन्हें किस तरह की मदद हासिल हो सकती है? नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन उनके हकूक़ का किस तरह तहफ़ुज़ कर सकता है? अखिलियती नौजवानों की बेजा और बिलावजी गिरफ्तारियों को किस तरह रोका जा सकता है? यही नहीं बल्कि भारत की बुनियादी तरक्कियों से मुताल्लुक ऐसे कई नुकात हैं जिसमें नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम शामिल हैं, उन्हें उजागर करने की ज़रूरत है ताकि अखिलियती तबक़ात न सिर्फ अपने तहजीबी इक़दार और तमद्दुन का तहफ़ुज़ कर सकें बल्कि दीगर इब्नाए वतन के साथ शाना बशाना आगे बढ़ सकें और कौम की तरक्की के समरात उन्हें भी मिल सकें। डीडी उर्दू के प्रोग्राम्स को इंफोटेनमेंट के तौर पर पढ़वान चढ़ाया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा ताकि अखिलियतें ज़िंदगी के तमाम शोबों में तरक्की की समत गामजन हो सकें। इस वक्त जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो उनकी तवाक़ुआत पर पूरा नहीं उतर रहे हैं। डीडी उर्दू का आगाज़ हिंदुस्तान की तारीख में एक बहुत बड़े इनकलाब की हैसियत रखता है, लेकिन इस इनकलाब को न सिर्फ मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है बल्कि उसके आगाज़ से पूरा पूरा फ़ायदा उठाकर उर्दू वालों के एतमाद को और भी तकवीत पहुँचाना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक बार मैं यही कहूँगा, ये एक अलमिया होगा, हमें इतनी ज़बरदस्त सहूलत के मिल जाने के बावजूद हम उससे फ़ायदा ना उठाएँ। बहरहाल ये एक हकीकत है कि बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। यूपीए सरकार की इस मामले में जितनी सिफारिश की जाए कम है कि उसने डीडी उर्दू शुरू करके उर्दू वालों के एक देरिना मुतालबे की तकमील कर दी है। टीवी चैनल के आगाज़ में बहुत सारी रुकावटों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन साबित कदम सरकार ने मखदूम मोहिउद्दीन के शेर के मिज़दाक़ के हयात ले कर चलो, कायनात ले कर चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ ले कर चलो, उर्दू वालों को भी अपने साथ ले लिया है। यकीन किया जाना चाहिए कि मरकज़ की ये कोशिशें बिलाखिर कामयाबी से सरशार होंगी। किसी भी अच्छे काम को अंजाम देने के दौरान मुश्किलें आती हैं, लेकिन नीयत साफ हो तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। किसी कायद ने कहा था कि देश में नेताओं की कमी नहीं है, नीतियों की भी कमी नहीं है, कमी है तो नीयतों की। ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि मरकज़ के पास नीति भी है, नीयत भी साफ है, और यही वजह है कि ये चैनल हमारे सामने मौजूद है। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ की कोताहियों की वजह से इस चैनल को अभी तक वो मकबूलियत नहीं मिल सकी जिसका कि वो मुस्तहिक है। इस चैनल को मजबूत करने के लिए संजीदा कोशिशें शुरू कर दी जाएं तो वो दिन दूर नहीं जब ये भी डीडी नेशनल की तरह अवाम में ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल करेगा। किसी शायर ने कहा है कि इस तरह तय की है मंजिलें हमने, गिर पड़े गिरकर उठे उठकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया।